बच्चों, पिछले क्लास में हमने लॉ कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए थे। उनमें साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लॉ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिफ्थ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर एवोगैड्रोस लॉ। इतने लॉ में बताया, तो साइंटिस्ट के नाम से ये थे। इसको ऑब्वियसली इसके लिए जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन दिए थे, और क्या एवोगैड्रोस लॉ को, है ना, एवोगैड्रोस जो साइंटिस्ट है उसके नाम पर हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एंटनी लेवेजियर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी जॉन डाल्टन्स ने ही दिया था, और ये जो है ये, ठीक है, और इसको तो जॉन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटनी लेवेजियर ने दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस ने दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो जॉन डाल्टन ने ही दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बाकी सब दिए हुए हैं। तो ये रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसको जॉन डाल्टन ने दिया था, और ये एवोगैड्रोस लॉ दिया था। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसको इत्मीनान सर बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसी को सबसे टफ समझते हैं। अगर मैं क्लास रेगुलर क्लास जब मैं लेता हूं, तो उसमें जब बच्चों से हाथ उठाने के लिए बोलता हूं, बताइए किसको मोल कॉन्सेप्ट कठिन लग रहा है, तो 99% बच्चे हाथ उठा देते हैं कि हमको लॉ ऑफ मोल कॉन्सेप्ट जो रहता है वो कठिन लगता है। ठीक, क्योंकि कुछ बातें उनको मालूम नहीं रहती, वही बातें आपको इत्मीनान से ध्यान से समझना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फोन करके जो आपको टाइम बताया गया उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक, चालू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट सिंपल वे में, इत्मीनान से आप समझेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं, तो आपको बातें आसानी से समझ में आएंगी। देखिए, मैं यहां पर कुछ कहानी लिख रहा हूं, उसके लिए 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूं। देखिए, यहां एक छोटी सी कहानी है। एक्चुअल में होता क्या है कि मोल के बहुत सारे नाम होते हैं, मोल का बहुत सारा मीनिंग होता है, और वो मीनिंग हमको नहीं मालूम होता है, इसलिए हमको मोल कॉन्सेप्ट कठिन लगता है। कठिन कैसे लगता है, नॉर्मल चीज में समझिए। मान लीजिए एक लड़के का नाम राजू है, उसका निक नेम है पिंटू, ठीक, तो जो उसका स्कूल नेम है उससे क्या होगा, क्लास टीचर और स्कूल के फ्रेंड्स उसको उसी नाम से जानेंगे, ठीक है, और नेबर्स जो रहेंगे केवल उसका निक नेम जानते हैं, जो घर का नाम है उसका वो जानते हैं, ठीक है, क्लास टीचर केवल ये नाम जानते हैं और नेबर्स केवल ये नाम जानते हैं। अब एक बार क्या हुआ, पिंटू ने
आइसक्रीम खाई, ठीक। तो अब क्या हो, ये जो पड़ोसी थे ये इसके स्कूल के फ्रेंड को भी जानती थी और क्लास टीचर को भी जानती थी। तो पिंटू ने घर में, पिंटू के घर में उसके मम्मी ने आइसक्रीम बनाया, पिंटू की मम्मी ने घर में आइसक्रीम बनाया, तो ये नेबर जाके क्लास टीचर को पहचानती थी, बोले अरे वो हमारे पड़ोस में पिंटू रहता है ना, उसकी मम्मी बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाती है। तो क्लास टीचर क्या बोलती है, कौन पिंटू कौन? तो क्लास टीचर जानती है, राजू को जानती है, पर ये नहीं मालूम उसको राजू का नाम ही पिंटू है। तो ये पड़ोसी पिंटू की या राजू की पड़ोसी जाके बोलती है, अरे वो तुम्हारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है ना जिसका नाम पिंटू है, उसकी मम्मी बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाती है। मैडम को कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मैडम को नहीं मालूम था कि राजू ही क्या है, पिंटू है। उसके बाद नेबर्स जो है, जो उसके पड़ोसी है उसमें से एक मतलब समझिए, तो वो क्या है स्कूल फ्रेंड के, उनको भी पहचानती है, इसके दोस्त को, उनके आ गई, अरे तुमको मालूम है वो पिंटू की मम्मी बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाती है, जो तुम्हारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है ना पिंटू। तो ये भी नहीं समझ में आया क्योंकि उसको केवल इसका यही नाम मालूम था। अब दूसरे दिन ये आके मैडम बोलती है, अरे तुम्हारे मोहल्ले में राजू रहता है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, राजू बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उसकी दूसरी पड़ोसी के आ गई है ना, तो ये बोलती कौन राजू कौन राजू, ये नहीं समझ पाती। वैसे ही राजू के, राजू बोल के लोग जब बोलते हैं ये भी नहीं समझ पाते। लेकिन अगर ये दोनों अपनी बात ले जाके मम्मी को बताएंगे तो मम्मी को इसकी भी बात समझ में आएगी और इनकी भी बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मम्मी को मालूम है कि राजू ही कौन है, पिंटू है। तो मम्मी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि ये केवल इसका एक नाम जानते हैं, ये केवल एक नाम जानते हैं। सेम मोल कॉन्सेप्ट में होता है, मोल कॉन्सेप्ट का कई मीनिंग होता है पर वो मीनिंग हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमको मूल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखिए कि मूल कॉन्सेप्ट तेरे कितने नाम, वो आप समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे वन मूल को कई तरीके से लिखा जा सकता है। पहले मैं बेसिक मीनिंग तीन आपको बताता हूं, एक नंबर के टर्म्स में, एक मास के टर्म्स में और एक मोल के टर्म्स में, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम के टर्म्स में। नंबर के टर्म्स में क्या, वन मोल मतलब इतने पार्टिकल होते हैं, ठीक। जैसे एक दर्जन में 12 केला होता है ना, ठीक है, वैसी वन मोल में इतना, अगर मैं एक दर्जन केला बोलूंगा तो 12 केला होगा, और एक मोल केला बोलूंगा तो इतना सारा केला हो जाएगा। तो बिल्कुल मोल जो है दर्जन के जैसा, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर को, जैसे 12 का मतलब ही दर्जन होता है, बोलूंगा एक दर्जन केला तो 12 टो केला, और एक दर्जन संतरा तो 12 टो संतरा। ऐसा नहीं कि संतरा के लिए बोलूंगा तो एक दर्जन मतलब 10 हो जाएगा। तो एक दर्जन का मतलब होता है 12, वैसे एक मोल का मतलब इतना होता है बस। अब चाहे एटम हो, एक मोल इंसान हो, एक मोल केला हो, एक मोल संतरा हो, एक मोल आम हो, कुछ भी हो, वन मोल मतलब इतना होता है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, हम लोग इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इसको एन एस रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वन मोल नंबर के टर्म्स में इतना होता है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। मास के टर्म्स में वन मोल अगर एटम के लिए होगा और मॉलिक्यूल के लिए होगा, ठीक है, तो एटम के लिए हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। और वन मोल का वॉल्यूम हम लोग एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ चुके थे, एट एसटीपी और एनटीपी, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इतना होता है। ये किसके लिए है, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। तो वन मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब इन सभी चीजों को, ये मीनिंग तो आपको क्लियर है कि भाई वन मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम लोग और ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं, इतमान से हड़बड़ाना नहीं हम लोग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके मैं आपको इसके बारे में और इसके बारे में डेप्थ में बताता हूँ, कोई डेप्थ नहीं, एकदम ईजी है, आपको समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।